मेरा इंतजार करना। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। खासी दादी, मैं हमेशा से जानती थी तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम्हारे अंदर का ही गुस्सा, तुम्हारे अंदर का दुख है, पर आज तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। तेरी इस तरक्की के लिए ये दादी तेरे लिए दिल से दुआ करती। पर बेटा, जितना है उस पर सब्र और ऊपर वाले पर हमेशा यकीन रखना। और हाँ, बहुत कुछ पाने के लिए कहीं लालच में न उलझ जाना। दादी, कभी कभी अपनों के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। जितना बड़ा जोखिम उतना ज्यादा मुनाफा। और वैसे भी ये रास्ता मुझे ऊपर वाले नहीं दिखाया दादी, तो फिर फिक्र किस बात की। बेटा, जहां भी तू जा रहा है संभाल के जाना। और बेटा, अपना ख्याल रखना। दादी जान, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आपका कासिम जल्द वापस लौट आएगा। सब मिले, बस अली ही नहीं मिल पाया। घर पे कहीं दिखाई नहीं। जाने से पहले एक बार मिल लेता तो। अरे खुसरो, दरीबा, जीवेजन, अली को कहीं देखा क्या? अली भाईजान, वो यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? आपके दिए हुए दिनारों को गिन रहा होगा। आप फिक्र मत करिए कासिम भाईजान, हम लोग अभी उसे ढूंढ लाते हैं। जी नहीं, सुनो, रहने दो, मैं वैसे भी बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा। तुम लोग जश्न में पहुंचो, मैं बस आता हूँ। ठीक है भाईजान, सलाम। आसिफ भाईजान कितने खुश थे आज, बस अब उनको शाही सड़क में अच्छा सा घर दिलाना है। सबके ख्वाब पूरे करेगा अली बाबा। आज खजाने के एक छोटे से हिस्से ने काबुल के घरों में खुशियां ला दी। अब ये खुशियां पूरे आवाम में फैलेंगी, सबकी जिंदगी मुकम्मल होगी। कोई शख्स, कोई बच्चा अधूरी जिंदगी नहीं जिएगा। जाने मन में इतनी उदासी क्यों है, आज तो मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी परसों की तकलीफें दूर होने का दिन है। इतना सारा सोना लेने जा रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मन उदास क्यों है? नहीं, उदासी नहीं, बस थोड़ी सी बेचैनी है। कासिम, आज तो तुझे पुरजोश होना चाहिए। आज के बाद तेरी और तेरे घर वालों की जिंदगी की तमाम तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। वो खजाना बाहें फैलाए तेरा इंतजार कर रहा है कासिम। ये वक्त घबराने का नहीं, अपनी तकदीर बदलने का है। अचानक से इतनी घबराहट क्यों हो रही है?
इतनी बेचैनी, किसी अपने पे मुसीबत आने वाली ऐसा लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बहुत लंबा दिन था, तू थक गया है, वहम होगा तेरा। कुछ मत सोच, कुछ मत सोच, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। एक अरसे बाद आवाम को इतना खुश देखा है हमने। हाँ, खुश तो है, लेकिन इस खुशी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इन लोगों ने। 40 चोरों के आने से पहले, चांद के दो टुकड़े होने से पहले सब कुछ ठीक तो था। शहजादी का शामियाना बनाने का ठेका मिला था मुझे, सोचा था इतना शानदार शामियाना बनाऊंगा शहजादी देखती खुश हो जाएगी और मुझे तमाम काबुल शाही का ठेकेदार बना देगी। ठेकेदारों का ठेकेदार अलीबाबा। अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करूंगा, सब अच्छा अच्छा होगा। जी ना, अगर जो हुआ वो ना होता तो, मतलब जो भी हुआ वैसा ना होता तो सब लोग सुकून और अमन से रहते, तो क्या होता मर्जी ना। अली, हमने आखिरी बार अपनी जिंदगी में अमन और सुकून कब देखा था हमें याद भी नहीं है। हमारी जिंदगी में तो हर तरफ से अंधेरा था, तब हमें आप मिले। और आपसे मिलकर हमें यह यकीन हुआ कि तकलीफें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा नहीं रहती। अब देखिएगा अली, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये सारी तकलीफें कम हो जाएंगी, अंधेरे रोशन होने लगेंगे, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा, हमारी जिंदगी एक बार फिर जिंदगी जैसे लगने लगेगी। हमें उम्मीद है कि जब भी ऐसा हो आप हमारे साथ ही हो अली। बात बताओ मर्जीना, अगर मुझमें भी वो रखवाले वाली खूबियां होती, मुझे भी जादू आता, तुम मुझसे क्या चाहते?
क्या चाहती? मैं चाहता हूँ कि गोरे आसमान में उड़े। तुम लोग कब आए? बहुत देर से यही है बाबा, जब से आपकी जिंदगी में सुकून बन गया। दिखे नहीं। दरअसल बाबा, तुमने खाली से एक नया होना सीखा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हम आए और कब हम खाए। देखा, बस कर पोया। मरीना, आप और बाबा को बात करने दो, अच्छे से बात करो। आप करो करो, समझो कि हम यहाँ है ही नहीं। हाँ। बाबा। अली, तू यहाँ है? कासिम भाईजान तुझे नीचे ढूंढ रहे थे। कासिम भाईजान लेकिन है कहाँ? कुछ काम से बाहर गए हैं, लेकिन कह के गए हैं कि जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम सब महफिल के मजे लो। बाबा लेकिन एक बात तो है, कासिम भाईजान का चेहरा कई बार देखा पर दिल आज पहली बार। चलो नीचे दावत में, कहीं वापस आके कासिम भाईजान का मन ना बदल जाए। चलो 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 आ जाओ। तबाही तबाही। वाह, वैसे कुछ भी कहो, आज अपनों के साथ इतने दिनों बाद एक छत के नीचे बहुत मजा आ रहा है। तो सब काफी महजर आ जाए तो मेरी दुनिया पूरी हो जाएगी। भाभी, भाईजान कब तक आ रहे हैं? कुछ जरूरी काम बोलकर बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। बस एक बार भाईजान आ जाए फिर मेरी आपकी दुनिया पूरी हो जाएगी। खुल जा सिमसिम, आपके इस हश्र का इंतकाम मैं पूरी इंसानी कौम से लूंगी मेरे नूरे निगाह। खुल जा सिमसिम। अली की तरह मैं भी 40 चोरों को छलावा देने में कामयाब रहा। अब मैं इत्मीनान के साथ गुफा में जाकर सारा खजाना ला सकूंगा।
इतना सारा खजाना। सारे चोर तो बाहर जा चुके हैं, यहां तो कोई नहीं होगा। ये सारा खजाना मेरा है। ये सारा ये मोती, ये जवाहरात, ये सोना, ये सब मेरा है। ये सब मेरा है, ये सारा खजाना मेरा है। मैं अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी बदल दूंगा। मैं पूरा परवाज गया है। मैं पूरा काबुल खरीद लूंगा। आसिम, तू काबुल का बादशाह बनेगा, बादशाह। इससे पहले कि 40 चोर आ जाए, मैं सारा खजाना बटोर लेता हूं। और इंतजार करवाओगे भाईजान, ये जिंदगी का जश्न इंतजार कर रहा है आपका। जल्दी आओ और जी उठो हमारे साथ। क्या सोचा था तूने, चले गए सबके सब। बेवकूफ जादूगर, आखिर तू आ ही गया ना मौत के मुंह में। बहुत इंतजार करवाया तूने हम सबको, आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा।